नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बिहार में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है जो कि इसमें रिश्वत वीडियो में दिखाई दे रही है। जी हां, डीजीपी गुप्तेश्वर पांड्या ने अपनी बिहार पुलिस को इतने सख्त से पेश आते हैं, लेकिन फिर भी बिहार पुलिस के लोग बाज नहीं आते हैं। फिर से एक और रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रही है। मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना की पुलिस बिना रिश्वत का कोई काम नहीं करती है, जो कि इस वीडियो में साफ साफ दिख रही है। एक थाने की मुंशी के द्वारा थानाध्यक्ष ने रिश्वत डिमांड की थी, जो कि एक तालाब में अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर लिया गया है। कुछ दबंग लोगों के द्वारा जबरन तालाब पर कब्जा कर चुका है। इसके लिए पीड़ित युवक ने थानाध्यक्ष से शिकायत किया था, जो कि शिकायत के दौरान रिश्वत का डिमांड किया गया था। पीड़ित के द्वारा रिश्वत दी गई और फिर उन्होंने अपनी मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। जब यह बात थानाध्यक्ष को पता चला तो पीड़ित परिवार के ऊपर पुलिसिया खौफ दिखाना शुरू कर दी। हालांकि पीड़ित युवक पुलिस के डर से भयभीत है और घर छोड़कर फरार है। इसी बात को लेकर पीड़ित युवक ने डीजीपी से लिखित शिकायत किया है। हम दो युवा साथी के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु 7 तारीख को जल जीवन हरियाली से एक दिन पहले गए थे रुद्रपुर थाना पे। जब रुद्रपुर थाना पे हम लोग सरकारी पोखर अतिक्रमण मुक्त कराने के हेतु पिटीशन फाइल करने के लिए बोला गया, तो चौकीदार के माध्यम से दरोगा गया सिंह हमसे 2500 रुपया मांगा, और दरोगा गया सिंह चौकीदार के माध्यम से हम लोग से 2500 रुपया लिया और हमने चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर डाला। महोदय, 15 जनवरी को हम इस वीडियो को वायरल किया, उसे संज्ञान में लिया गया, उसको सस्पेंड किया गया उस चौकीदार को। महोदय, जब गया दरोगा सिंह ही उसमें संलिप्त है तो चौकीदार को उसमें सस्पेंड किया गया, तो दोनों को सस्पेंड होना चाहिए। बाद बाकी महोदय, हमारे ऊपर भी थाना और स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, बार बार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है कि इस मामला को कंप्रोमाइज करने के लिए, और हमसे सादा कागज पे हस्ताक्षर भी करके ले गया था। एक रोज हमारे मम्मी को एसपी साहब के सामने भी पेश किया गया जबरदस्ती। महोदय, हम गरीब लड़के को बार बार दबाया जाता है, बार बार धमकाया जाता है कि कंप्रोमाइज कर लो। बताइए कि जब सरपंच महोदय इसमें इन्वॉल्व है।